नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वक्त की एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन पर। बता दें आपको एक ऐसी घटना जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। एक 30 साल का व्यक्ति जो काम करता है नीलम फूड कैंटीन, जो लोकेटेड है सीएसएमटी प्रमाइसिस के अंदर, रेलवे स्टेशन के पास में ही है, ये आप देख सकते हैं इसके सामने। जी हाँ, बता दें, और यहाँ पर ये 30 साल का व्यक्ति जब काम करता है तो रेलवे जो कैंटीन में, उनके गले में एक आईड कार्ड होता है। अब इसका फ़ायदा उठाकर उसने सीएसएमटी रेलवे स्टेशन के बाहर एक कपल घूम रहा था जो झारखंड का रहने वाला है, जो अपने किसी काम से यहाँ पर आए थे। अब जो यहाँ पर अक्यूज़ है, यानी जो आरोपी है, उसका नाम बता देता हूँ मैं आपको, मुरली लाल मुकुंद लाल गुप्ता, 30 साल इनकी उम्र है। उन्होंने कपल को देखा और उसके बाद उन्हें जो है कहा कि हमें आप तो रेलवे से हैं, हम आपकी चेकिंग करना चाहते हैं। जिसके बाद इन दोनों ने, जी हाँ बता दें, जो है जिस व्यक्ति ने, यानी मुकुंद लाल गुप्ता की बात सुनकर उन्होंने पूरी तरह से सोचा कि चलो ठीक है, रेलवे स्टाफ है, चेकिंग करना चाहते हैं, करने देते हैं। तो यहाँ पर आदमी को ले जाकर जो है एक स्टाफ रूम में जो है रोक दिया और उसके बाद उसकी पत्नी का सामान चेक करने लगा और उसकी पत्नी को गलत तरीके से छूने लगा। तभी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे, जहाँ पर ये चेकिंग चल रही थी, इस मुकुंद लाल गुप्ता के द्वारा, जो मुरली लाल मुकुंद लाल गुप्ता है, इनके द्वारा तभी जो है वहाँ पर एक लेडीज कांस्टेबल दिख गई। उसके बाद क्या था, उसके बाद आप सबको पता ही है, वहाँ से जो है मुरली लाल फरार हो गए। उसके बाद महिला ने इस बारे में जानकारी जो है कांस्टेबल को दी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और गलत तरीके से मुझे छूने की कोशिश की गई। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा छाना गया और जाहिर सी बात है, आप मुंबई जैसे शहर में दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना को अंजाम कैसे दे सकते हैं, सोचिए। उसके बाद यहाँ पर जो है पकड़े गए मुरली लाल मुकुंद लाल गुप्ता। फिलहाल इनके ऊपर मामला दर्ज करके इन्हें हिरासत में तो ले लिया गया, लेकिन इनकी अच्छी सी कुटाई करने की आवश्यकता ज़रूर है कि आप इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर हैं मुंबई में, ओबी सीएसएमटी स्टेशन, जहाँ पर 2400 घंटे कैमरे चालू हैं, और ऐसे में आप एक महिला के साथ इस प्रकार गलत व्यवहार करते हैं तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए।